Very lovely. Good morning to all of you. How are you, students? Hope you all will be fine at your home. Nidhi Miss has sent you some word meanings related to this lesson, living and non-living things. Today I am describing two pages of this lesson number, page number 5 and page number 6. Listen carefully. बच्चों ध्यान से आप सुनिए और देखिए, आज मैं लेसन नंबर 1 के दो पेजेस को डिस्क्राइब कर रही हूँ आपके EVS स्टैंडर्ड 3 के। द यूनिट इज थिंग अराउंड अस, पहला यूनिट है हमारे आसपास की चीज़ें। इसका फर्स्ट लेसन है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यू नो लिविंग मीन्स जीना, जीवित। नॉन लिविंग जो जीवित नहीं है, निर्जीव। लिविंग सजीव, नॉन लिविंग निर्जीव। तो लेसन का हेडिंग है सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स व्हिच हैव लाइफ इन देम। लिविंग थिंग्स वो वस्तुएं हैं जिनके अंदर जान है, जो मूव कर सकती हैं, चल सकती हैं। ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स आर लिविंग थिंग्स। सभी प्लांट्स, जो पेड़ पौधे हैं, छोटा से छोटा पेड़ जिसको घास कहते हैं या काई कहते हैं, एल्गी वो भी, और बड़ा से बड़ा पेड़, आम के पेड़, बरगद के पेड़, बहुत ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं, ताड़ के पेड़, एनिमल्स सभी तरह के जानवर, बर्ड्स सभी तरह के पक्षी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सभी लिविंग थिंग्स हैं, सभी सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। इन फैक्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, प्लांट एंड एनिमल। दरअसल सभी ऑर्गेनिजम्स, सभी जीव जो हैं, उनको दो मुख्य ग्रुप में बांटा गया है, प्लांट ग्रुप एंड एनिमल ग्रुप, पशु ग्रुप और पौधे ग्रुप। प्लांट्स आर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जीव हैं, हु कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना भोजन खुद बनाती हैं, प्रिपेयर तैयार करना, देयर ओन खुद का फूड, भोजन। तो प्लांट्स वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना भोजन खुद तैयार करती हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो प्लांट्स पर, पौधों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुओं की क्या विशेषताएं हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, सजीव वस्तुएं, सभी सजीव वस्तुएं क्या करती हैं? सांस लेती हैं। आप भी लेते हैं ना, देखते हैं हम हवा नाक से और मुंह के माध्यम से, हवा हमारे अंदर जाती है फिर बाहर आती है, वही सांस हो गया। तो सभी लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, All animals on land breathe with the help of lungs. Fish breathe with the help of gills. तो सभी जो animals हैं, जानवर हैं, जो पृथ्वी धरती पर पाए जाते हैं, ज़मीन पर पाए जाते हैं, वो सांस लेते हैं किनके माध्यम से? Lungs के माध्यम से। Lungs means फेफड़े, जो हमारे body का एक internal part है। जो भी ये living organisms जो ज़मीन पर हैं, जैसे आपको पशु पक्षी भी हो गए और ये जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं, वो सभी लंग्स के माध्यम से सांस लेते हैं। फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स, मछली सांस लेती है, मछलियों में गलफड़े होते हैं उसकी मदद से। ये देखिए, दिस इज़ ए ग्रास हॉपर, ये ग्रास हॉपर है, इसमें एयर होल्स बना हुआ है, ये उसकी मदद से सांस लेता है। ये दिस इज़ द फिगर ऑफ ए फिश, फिश का फिगर है, देखिए ये फिश का गिल्स है, इसकी मदद से सांस लेती है। ग्रीन लीव्स, जो हरी पत्तियां हैं, इन पत्तियों में बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें
स्टोमेटा कहा जाता है। ये जो पत्तियां हैं ये भी पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, तो यही इन रोम छिद्रों के माध्यम से ये पेड़ों की पत्तियां हैं सांस लेती हैं। इसके बारे में आप डिटेल डिस्क्रिप्शन अपने हायर क्लासेस में पढ़िए। नाउ प्लांट्स हैव स्मॉल होल्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा थ्रू विच द दे ब्रीथ। तो प्लांट्स जो पौधे हैं उनकी पत्तियों में छोटे छोटे होल्स छिद्र होते हैं जिन्हें रोम छिद्र कहा जाता है, उन्हीं के माध्यम से जो प्लांट्स है वो सांस लेते हैं। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी विशेषता है सजीव वस्तुओं की, लिविंग थिंग्स नीड फूड। सजीव वस्तुओं को भोजन की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड और दे शैल डाई। सभी सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है, यदि उन्हें भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वे मर जाएंगे। द डॉग नीड्स फूड, देखिए ये डॉग है इसको भी भोजन चाहिए, अगर हम डॉग को भोजन नहीं देंगे तो डॉग भूखा रह जाएगा और भूख के कारण मर जाएगा। प्लांट्स है, प्लांट्स को भोजन के रूप में क्या चाहिए, पानी। अगर हम पौधों को समय समय पर पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट्स भी क्या होंगे, मर जाएंगे। द डॉग इज़, देखिए इस पिक्चर में द डॉग इज़ फीडिंग इट्स पप। ये जो डॉग है ये अपने पप्स को, अपने बच्चों को भोजन दे रही है। इन द अबव फिगर ऑल आर लिविंग थिंग्स एंड नीड फूड। ये फिगर में आप देखिए सभी डॉग लिविंग थिंग है, ह्यूमन लिविंग थिंग है, प्लांट लिविंग थिंग है, ये पूरी डॉग फैमिली लिविंग थिंग है, सबको लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए। ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स था। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ। सभी सजीव वस्तुओं में हम ग्रोथ देखते हैं, बढ़त देखते हैं। दे शो मूवमेंट टू, उन्हें मूवमेंट भी चाहिए, वे हिलते डुलते भी हैं। सर्टेन प्लांट्स लाइक सनफ्लावर फेसेस द सन। कुछ पौधे हैं जिनको आप देखते होंगे कि वो सूरज की ओर उनका चेहरा चला जाता है, जैसे सनफ्लावर हुआ, वो हमेशा सन की तरफ फेस करता है। क्लैमोडोमोनस इज अ वेरी टाइनी प्लांट एंड कैन मूव। क्लैडोमोनस एक तरह की बहुत ही सूक्ष्म पौधा होता है, उसे भी मूवमेंट चाहिए होता है, वो भी मूव करता है। लिविंग थिंग्स फील एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट। लिविंग थिंग्स जो हैं सजीव वस्तुएं फील करती हैं, महसूस करती हैं, और एनवायरमेंट वातावरण में के अकॉर्डिंगली उनमें भी मूवमेंट होता है। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट फील एंड ऑल्सो रिस्पॉन्ड। ए डॉग बार्क्स व्हेन अटैक्ड अपॉन। सभी लिविंग थिंग्स जिसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, वे सब रिस्पॉन्ड करती हैं। जैसे अगर हम किसी पर अटैक करते हैं, डॉग पर अटैक करते हैं, तो वो क्या करता है, बार्क करता है, भौंकता है। लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। लिविंग थिंग्स जो हैं रिप्रोड्यूस करती हैं, उत्पन्न करती हैं, क्या उत्पन्न करती हैं, अपने जैसे ही दूसरे लिविंग थिंग्स को। जो जानवर होते हैं वो अपने जैसे ही जानवरों को जन्म देते हैं, ह्यूमन बींग्स ह्यूमन को जन्म देते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो भी अपने जैसे ही पौधों को जन्म देते हैं, पेड़ों के बीज से नए पौधे बनते हैं। वी से हम कह सकते हैं, कहते हैं लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस होते हैं, बढ़ते हैं। एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज, जानवर जो हैं छोटे छोटे बच्चों को जन्म देती हैं। बर्ड्स फिश क्रोकोडाइल्स टॉर्टोइस ऑल ले एग्स फ्रॉम विच बेबी एनिमल्स हैच आफ्टर सम डेज। एनिमल्स जो होते हैं मैमल्स, वो एनिमल्स होते हैं जो अपने तरह के बेबीज को जन्म देते हैं, लेकिन जो बर्ड्स हैं पक्षी मछली क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ टॉर्टोइस कछुए ये सब अंडे देती हैं, और इन अंडों को सेका जाता है, सेदा जाता है, तब बाद में इन्हीं के जैसे बच्चे निकलते हैं।
देखिए ये है डॉग है, ये डॉग के बच्चे देखिए पप्पी कहलाते हैं। ये देखिए फिगर में कैट है, कैट के छोटे छोटे बच्चे हैं जो किटन कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे आज के लिए इतना ही डिस्कशन है। लिविंग थिंग्स दो टाइप्स के होते हैं, दो ग्रुप में हमने बांटा है, प्लांट ग्रुप एंड एनिमल ग्रुप। आज मैंने आपको एनिमल ग्रुप एक्सप्लेन किया है, कल के वीडियो में मैं आपको प्लांट ग्रुप एक्सप्लेन करूँगी। और आज ये दोनों पेजेस से रिलेटेड, एनिमल ग्रुप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रुप में सेंड किया जाएगा, उसे आप देखिए, समझिए, वीडियो को देखिए, पेजेस को पढ़िए और आंसर्स तैयार करके रीसेंड करिए। थैंक यू।